हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 के जो है किताब एक्सीलेंट ग्रामर जो है उससे हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जो भी बोर्ड में आए उसको हम हल करते हैं। इसके पहले हम इसके रूल्स और एग्जांपल मिक्स सेंटेंस डायलॉग सहित रूल्स और एग्जांपल सब कुछ हल करा चुके हैं। नहीं देखें तो आप उसको भी देख लीजिए, क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है। तो चलिए आज देखते हैं पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये कहने के लिए इंटरमीडिएट है, ये हर एग्ज़ाम में चाहे हाई स्कूल इंटर यानी 11 12 9 10, इसके अलावा टेट सुपर टेट TGT SSC किसी भी एग्जाम में इनडायरेक्ट जो है जिसमें सब में आता है तो सबके लिए यूजफुल होगी। चलिए देखते हैं पहला एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का पहला वाक्य है 2012 के सभी सेट को दिया गया है। पंडित नेहरू से टू द लास्ट गैदरिंग इन द रामलीला मैदान, माई डियर नोबल कंट्रीमैन, आई शैल एवर रिमेन सर्विंग द काज ऑफ मदर इंडिया। तो देखिए इसमें क्या क्या अर्थ मैं बता दे रहा हूँ। पंडित नेहरू ने कहा लार्ज गैदरिंग माने विशाल भीड़ से, इन द रामलीला मैदान, रामलीला मैदान में विशाल भीड़ से कहा माई डियर नोबल कंट्रीमैन, मेरे प्रिय श्रेष्ठ देशवासियों, आई शैल एवर रिमेन सर्विंग, मैं हमेशा सेवा करता रहूँगा द काज ऑफ मदर इंडिया, भारत माँ के कारण मैं हमेशा तुम लोगों को क्या करता रहूँगा, सेवा करता रहूँगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि क्योंकि ये उनके कार्य मतलब ये कि समाज की सेवा ही भारत माँ की सेवा है, इसलिए रामलीला के मैदान में जो भीड़ है समुदाय है उनसे कह रहे हैं कि ऐसी बात है। तो इसमें संबोधन किया जा रहा है तो इसलिए हम एड्रेसिंग्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ गैदरिंग को संबोधन कर रहे हैं और माई डियर नोबल कंट्रीमैन करके, तो इसका बनाने का जो तरीका है सबसे पहले एड्रेसिंग लिखा जाता है, एड्रेसिंग के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा जाता तो हो जाएगा द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान। इतना लिखने के बाद आयज लिखा जाएगा, फिर माई का पंडित नेहरू के अनुसार हिज हो जाएगा। तो आप लोग लिखते जाइए, कहाँ पर फिर लिख बैठिए। तो एड्रेसिंग द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान, आयज हिज डियर नोबल कंट्रीमैन, इतना पूरा लिखेंगे। तो क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी संबोधन के शब्द हैं, तो इसको भी हम हटाना ही पड़ता है क्योंकि ये सुनने वाले हैं, इनको कहा जा रहा है। तो संबोधन के शब्दों को हम एड्रेसिंग फिर ऑब्जेक्ट फिर आयस करके लिख देते हैं। उसके बाद हम अब मान लीजिए आप माई डियर नोबल कंट्रीमैन हट नहीं है तो अब आराम से इसको बना लीजिए, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे डियर नोबल कंट्रीमैन के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट अब इसमें क्या लिखेंगे PT नेहरू, फिर सेट टू का टोल्ड हो जाएगा अब द लास्ट गैदरिंग इन द रामलीला मैदान, आप एक बार लिख चुके हैं तो इनके लिए आप प्रोनाउन गैदरिंग मतलब जो विशाल भीड़ है लोग हैं तो उनके लिए तो आप यहाँ देम लगा दीजिए, सिंपली देम हो जाएगा। तो पंडित नेहरू टोल्ड देम हो जाएगा, सेट का टोल्ड हो जाएगा टोल्ड देम। उसके बाद आप दैट लगा देंगे, ठीक है, देम के बाद क्या लगा देंगे दैट, फिर उसके बाद यहाँ आई सेल जो है ही उड हो जाएगा, इसका बिल के साथ बिल लगता है इसलिए उड हो जाएगा, ही उड सर्विंग द काज ऑफ मदर इंडिया, सब कुछ वैसे लिखते जाएंगे। फिर इसमें बता दे रहा हूँ आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे पहले आप एड्रेसिंग लिखेंगे द लार्ज गैदरिंग और इन द रामलीला मैदान लिखेंगे, फिर आयज का प्रयोग करेंगे, माई को हिज में बदलेंगे, ठीक है, आयज हिज डियर नोबल कंट्रीमैन तक लिखेंगे, कंट्रीमैन के बाद आपको क्या करना फिर से, ठीक है, अब यहाँ फिर से आपको क्या करना पंडित नेहरू पे आ जाना है, फिर सेट टू का टोल्ड कर देना है, फिर द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान एक बार लिख चुके तो इनके लिए आप देम लगा दीजिए क्योंकि लोगों से कह रहे हैं कि विशाल भीड़ से कह रहे हैं तो उनके लिए देख कंट्रीमैन भी कहे हैं तो ज़्यादा लोग हैं। देम के बाद आप दैट लगाएंगे, दैट के बाद आई का ही करेंगे, एक साथ साल का शुड ना होकर उड हो जाएगा, एवर से लेकर सब कुछ लिखते चले जाएंगे इंडिया तक। आई होप समझ में आ गया होगा। चले देखते हैं दूसरा, हरी सेट टू राम हैव यू कम्प्लीटेड योर वर्क होमवर्क। हरी ने राम से पूछा, कहा क्या तुम अपना काम पूरा कर लिए हो, हरी राम सेट नो, राम ने कहा नहीं, हरी ने कहा व्हाई क्यों, राम ने कहा बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम टू कम्प्लीट इट, क्योंकि मैं इसे पूरा करने का समय नहीं पाया। तो एक्सीलेंट के डायलॉग में पहला एग्जाम्पल जो आपको दिया गया है सेम टू सेम इसी पर आधारित है, तो आप वहाँ से हिंट लेके इसको आराम से बना सकते हो। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, हरी सेट टू राम का हो जाएगा हरी आस्क राम, इसमें हो जाएगा वेदर लगा देंगे हम, हैव यू का ही हैड WHETHER वेदर मैंने कि क्या, हैव यू का ही हैड हो जाएगा ही हैड,
उसके बाद जो है कंप्लीटेड योर का फिर ये जो जाएगा होमवर्क, फिर स्टाप लगा देंगे। अगला वाक्य लिखेंगे राम रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट कंप्लीटेड। नो मतलब मैंने ही पूरा किया, मतलब राम रिप्लाइड उत्तर दे रहा तो सेट को रिप्लाइड में रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट कंप्लीटेड। फिर हरी देना आस्क हिम, अगला वाक्य जो दिया गया इसमें हरी देना आस्क हिम, हरी ने तब उससे पूछा वाई, मतलब वाई यू हैव नॉट कंप्लीट, ये हो गया ना वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड, तो इनडायरेक्ट हो गया वाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड। तो फिर आगे लिखोगे फुल स्टॉप करके राम रिप्लाइड हिम अगेन, राम ने उसे दोबारा उत्तर दिया। अब उसके बाद देखिए बिकॉज है ना, क्योंकि मैं समय नहीं पा सका, आप इसको रिप्लाइड हिम अगेन दैट ही हैड ही कुड नॉट गेट टाइम टू कम्प्लीट इट सिंपली लिख सकते हो, या बिकॉज तब नहीं लिखा जाएगा। अगर बिकॉज भी लिखना चाहो तो आपको पिछले वाक्य से फिर सब्जेक्ट पर लिखना पड़ेगा। तो राम रिप्लाइड हिम अगेन दैट ही हैड नॉट कम्प्लीटेड बिकॉज ही कुड नॉट गेट टाइम टू कम्प्लीट इट, ठीक है। राम ने उत्तर दिया उसे दोबारा अगेन कि वह नहीं पूरा किया क्योंकि वह समय नहीं पा रहे। इस तरह से क्योंकि लिखोगे तो सब्जेक्ट पर भी हैड नॉट कम्प्लीटेड भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज ना लिखना चाहो किताब में जैसा कि नहीं दिया गया, साइट में भी कर सकते हो, तब कह दो कि राम रिप्लाइड हिम अगेन दैट, राम ने दोबारा उत्तर दिया कि ही कुड नॉट गेट टाइम टू कम्प्लीट, ये वह पूरा करने का समय नहीं पाया। इस तरह से दोनों सही है वाक्य। और ये जान लीजिए कि देन और अगेन ये सब हम वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से प्रयोग करते हैं, इनको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, नए भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। देखिए तीसरा वाक्य जो इसमें ही सेड दिस इज व्हाट दीज स्टेट्समैन आर डूइंग नाउ, यही ठीक है, इसी प्रकार से ये राजनीतिज्ञ लोग अब कर रहे हैं। तो ही सेड, अब यहाँ क्या है दैट तो लगाएंगे ही कंजक्शन, दिस का भी दैट हो जाता है तो इसमें कोई गलत ना समझिए कि दो दैट लग गया, क्योंकि एक दैट कंजक्शन है एक दैट, ठीक है, आपका दिस का दैट हो जाएगा, इज का वाज हो जाएगा, व्हाट दीज का दोज हो जाएगा, स्टेट्समैन आर का वर हो जाएगा, डूइंग नाउ का क्या हो जाएगा देन हो जाएगा। आगे देखते हैं द बॉस सेड आर द मेन रेडी, तो द बॉस यहाँ आस्क्ड हो जाएगा, आर का इफ हो जाएगा, फर्स्ट टाइप है इफ द मेन, फिर यहाँ आर का वर हो जाएगा, कंजक्शन आर फर्स्ट टाइप इसलिए इफ कंजक्शन लगेगा, इफ द मेन वर रेडी, क्या आप लोग तैयार हैं। अगला द चीफ सेड टू द सोल्जर डू नॉट लीव द पोस्ट, तो यहाँ चीफ माने मुखिया जो है सैनिक से कहा पद को न छोड़ो, आप यहाँ एडवाइज्ड भी कर सकते हो, सलाह दे रहा है कि भाई सैनिक को आपको नहीं छोड़ते, एडवाइज द सोल्जर डू नॉट का नॉट टू लीव द पोस्ट, पद को ना छोड़ो, इस तरह से हो जाएगा। चाहे तो आप इसको एडवाइज ना करके फॉरबेड में भी बदल सकते हो, तब नॉट नहीं लगेगा, फॉरबेड द सोल्जर टू पोस्ट, ठीक है, तब नॉट नहीं लगता, टू लीव द पोस्ट पद को छोड़ने से फॉरवर्ड मैंने मना कर दिया या ना छोड़ने की सलाह दी, दोनों की चीज़ें, तो एडवाइस साथ नॉट टू लगेगा, फॉरवर्ड साथ टू, इतना ही सेड मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील होता तो इसमें दैट लगा के जोड़ देंगे क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे है सी सेड उसने कहा आई लाइक माय हाउस, मैं अपना घर पसंद करता हूं, तो यहां दैट लगा देंगे, आई का सी के अनुसार सी हो जाएगा, लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, माय का हर हो जाएगा, हाउस का हाउस ही रहेगा। अगला देखते हैं आठवां, आई आस्क्ड हिम आर यू गोइंग, तो आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग हो जाएगा, इफ ही वाज गोइंग। नवा ही सेड लेट अस नॉट स्टॉप टिल वी रीच आवर गोल, हमें नहीं रुकना चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य तक ना पहुंचे। तो सेड का यहाँ प्रपोज्ड कर दो, प्रपोज जैसे स्टेम बदला जाता है लेटस आने पर, उसके बाद लेटस के लिए हम कह देंगे कंजक्शन दैट कर देंगे, फिर अस को ही के अनुसार दे में बदल देंगे कि थर्ड पर्सन है ही, उसका बहुवचन दे ही होता है, दे शुड हो जाएगा, दैट को शुड बदल देंगे, दैट प्रपोज दैट दे शुड नॉट स्टॉप टिल, फिर वी का दे बदलेंगे, रीच का रीच्ड बदलेंगे, फिर आवर का देयर में कर देंगे, टिल दे रीच्ड देयर गोल। अगला है ही सेड टू मी स्टडे, तो ही आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, सेड टू का यहाँ टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी स्टडे, स्टडे का क्या हो जाएगा द प्रीवियस डे कर दीजिए, कि वह मुझे से पिछले दिन पीआरई भी आई, ओ यस प्रीवियस डे पिछले दिन कहा था दैट मिस की, आई का ही के अनुसार ही हो जाएगा, बिल का वुड हो जाएगा, ही वुड रिटर्न योर को मी के अनुसार माई बुक टुमारो का
द नेक्स्ट डे, क्योंकि हम दूसरे से ये कहेंगे ना, वह मुझसे पिछले दिन बताया था कि वह मेरी किताब जो है अगले दिन क्या करेगा, वापस कर देगा। अगला है द वुल्फ सेड टू द लैम, तो सेड टू कास्ट कर दिए क्योंकि वाई से, वाई आर यू का वाई ही वाज हो जाएगा, मेकिंग द वाटर डर्टी। अगला है द वुल्फ सेड यू हैव बिकम वेरी टॉकटिव, द वुल्फ यहाँ टोल्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अपने मन से हिम मान लीजिए क्योंकि यू को बदलना ही पड़ेगा, टोल्ड हिम दैट कर दीजिए, फिर यू का भी मान लिया तो हिम के अनुसार ही हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, ही हैड बिकम वेरी टॉकटिव। ठीक है, तो पहले वाक्य में बताया, दूसरे में क्या, कि बी साइलेंट, चेतावनी दिया है तो आप एंड से जोड़ दिया, एंड वार्न्ड और चेतावनी दिया, वार्न के बाद हिम भी अपने मन से मान सकते हो क्योंकि एक बार हिम माने, वार्न्ड हिम टू बी साइलेंट, उसे शांत रहने की चेतावनी दिया, टू बी लगा देंगे, बी छोटे से हो जाएगा बी, अदरवाइज आई का ही हो जाएगा, बिल का वुड हो जाएगा, ही वुड ईट, यू का फिर हिम हो जाएगा। अगला, तो इसको फिर से एक बार बता देना, द वुल्फ टोल्ड हिम दैट ही हैड बिकम वेरी टॉकटिव एंड वार्न्ड हिम टू बी साइलेंट अदरवाइज ही वुड ईट देम, ईट हिम। 13वां वाक्य है राहुल से, राहुल ने कहा गुड नाइट प्रशांत, प्रशांत गुड नाइट, शुभरात्रि प्रशांत, तो राहुल बेड गुड नाइट टू प्रशांत हो जाएगा, बी ए डी ई में बदल लेते हैं गुड नाइट गुड बाय में, अब यहाँ टू लगा देंगे क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, ऐसे भी इसका राहुल बेड प्रशांत गुड नाइट, तब भी सही था। अब अगला वाक्य तीन शब्दों से हम जोड़ देते हैं, एंड सेड दैट, एंड सेड दैट भी कह सकते हो, एंड टोल्ड हिम दैट भी कह सकते हो, तब टोल्ड करोगे तो हिम लिखना पड़ेगा। अब वी का जो है क्या हो जाएगा, दे, विल का क्या हो जाएगा, वुड, मीट अगेन टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। अगला वाक्य है गुड हेवंस आई हैव ड्रॉप्ड माय पर्स समवेयर एंड इट हैड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी ही सेड, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद, हाँ गुड हेवंस में रिग्रेट, किताब में आपको बताया एक्सलेंट में विथ रिग्रेट कर देते हैं, देवसारो भी किसी किताब में आपको मिल जाएगा कि वह पश्चात आपके साथ कहा या खेत के साथ कहा। ठीक है, गुड हेवंस में एक्सलेंट में आपको बताया गया है कि रिग्रेट, या आप कर सकते हो सरप्राइज में भी। ठीक है, तो यहाँ रिग्रेट खेत की बात है, तो ही एक्सक्लेम विथ रिग्रेट, वह खेत के साथ कहा, कष्ट के साथ कहा, दैट की, फिर अब आई का क्या कर दो, ही के अनुसार ही हैव का हैड, ड्राफ्ट माई का हिट कर दोगे पर्स समवेयर एंड इट हैड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, फुल स्टॉप, उसने कहा कि वह मेरे अपने पर्स कहीं पर गिरा दिया था और इसमें हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी था, मतलब अत्यधिक मात्रा में धन था, हैंडसम अमाउंट माने अत्यधिक मात्रा। तो आई होप 12 वाली एक्सरसाइज आपके समझ में आ गई होगी। देखिए अब इसके बाद 2013 की एक्सरसाइज दी है, फिर 14 की दिया है, 15 दिया है, 16 दिया है, 17 दिया है, 18 19 20 ये सब कुछ दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद की वीडियो में हम आपको 2013 और उसके आगे का हल कराएंगे, आप इसको जो है एक्सीलेंट से तब तक हल कर लीजिए, फिर कल मैं आपको मिलवा दूंगा इसके बाद की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।